सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। राजस्थान के चुनाव अब खत्म हो गए तो आप राष्ट्र भूमिका में आ गए हैं, तमाम जगह अब जा रहे हैं, सभी लोग जो जो प्रदेशों में चुनाव बचे हैं अंतिम दो चरण में, हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जाएंगे, अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। मैं आज और कल हरियाणा में हूँ, उसके बाद मैं मध्य प्रदेश जाऊँगा और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए मेहनत करेंगे। अब तक जो रिपोर्ट्स आई हैं पाँचों फेजों में, अच्छा बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है और लगातार बढ़त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो संख्या बल था, खासकर उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में जहां लगभग सभी सीट बीजेपी जीती थी, इस बार ठीक विपरीत परिस्थिति है, क्योंकि तीन राज्यों में अब कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, यहां पर अधिकांश सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दक्षिण भारत में भाजपा का खाता भी नहीं खुलने वाला है, इसलिए एनडीए का जाना तय है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी दो चरण में पोलिंग अच्छी हो, मतदाता अपने चॉइस को वोट डालें, लेकिन 23 मई को अब ये लगभग तय है कि एक नई सरकार का निर्माण होगा और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार इस देश में बनेगी। गठबंधन को ब्रशअप किया जा रहा है दिल्ली में बैठकर, ये बताया जा रहा है। देखिए, हमारा जो गठबंधन का कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो लगातार बढ़ रहे हैं और यूपीए आज के लिए बहुत पुरानी है, लेकिन एनडी के जो घटक दल थे लगातार उनमें कमी आई है। कैसे कैसे उन्होंने शिवसेना को और जेडीयू को साथ लिया है, लेकिन एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम पहले से ज़्यादा सीट लेके आएंगे, दूसरी तरफ उनके नेताओं का बयान आ रहे हैं, उनके घटक दलों के जो साथी हैं उनके बयान आ रहे हैं वो बिल्कुल उल्टा है उससे, तो वो भी असहज हैं, असुरक्षित हैं अपनी परफॉर्मेंस को लेकर। इसलिए जो शब्दावली का प्रयोग हो रहा है भाजपा के नेताओं के माध्यम से वो बड़ा निंदनीय है, और मुझे लगता है कि राजनीति में संवाद और भाषण और पॉलिटिकल डिस्कशन का जो एक स्तर है वो अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत नकारात्मक हम उदाहरण पेश कर रहे हैं। इसलिए कोसना, आलोचना करना वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, विशेष रूप से जैसे राजीव गांधी जी के बारे में जो बातें बोली गई वो बहुत ही निंदनीय है, नहीं बोली जानी चाहिए, और ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी लेकिन देश भर में लोगों ने उस बयान की निंदा करी है। क्योंकि अपनी रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, अपनी बातों को बताएं, अपने मुद्दों को बताएं, अपने मैनिफेस्टो की बात करें, लोगों पर आरोप लगाना, राहुल जी को, सोनिया गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को बार बार कोसना, वो बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है, इसलिए इस बात को बात भाजपा सबसे राजस्थान से कर रही है, तो उनको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत कांग्रेस पार्टी को मिला है। पिछले 5 सालों में जितने बाई इलेक्शन हुए कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं, इस बार भी हमारा मिशन 25 है, उसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता